यार तस्वीर में तन्हा हूँ मगर लोग मिले, कई तस्वीर से पहले कई तस्वीर के बाद, भेज देता हूँ लेकिन पहले बता दूँ, मुझसे मिलता नहीं कोई मेरी तस्वीर के बाद। आज मैं जिससे आपकी मुलाकात करवाने जा रहा हूँ, दुनिया भर में आपने बहुत सारा आर्ट देखा होगा, लेकिन आज मैं आपसे जिनकी मुलाकात करवाने जा रहा हूँ वो बॉल पेन आर्टिस्ट हैं। पाकिस्तान में शायद ही कोई बॉल पेन ऐसा आर्टिस्ट हो जो रोफी आज़मी साहब हैं। आइए इनकी कहानी जानते हैं कि कहां से इन्होंने आर्ट शुरू किया। आप देख रहे हैं वहां पाकिस्तान, मैं हूं उसामा मलिक। आई एम रूफ़ी आज़मी, आई एम बॉल पेन आर्टिस्ट। और बॉल पेन के हवाले से मैं अगर थोड़ी सी बात करूं, और तो कोविड वाले टाइम में जब हम घर में बैठे हुए थे, तो बेसिकली मैं पेंसिल आर्टिस्ट हूं। तो कोविड वाले टाइम में बॉल पेन की वीडियो एक यूट्यूब पे मैंने देखी, और उस आर्टिस्ट के काम ने मुझे बहुत इंस्पायर किया। तो क्योंकि आर्ट जरासीम तो मौजूद थे और मैं ख़ुद भी एक आर्टिस्ट था, तो बॉल पेन मटेरियल उठाया जो घर में लोकल 10 रुपीज़ वाले पेन होते हैं उसको लेके और काम करना शुरू किया। तो बॉल पेन के लिए जैसे कहते हैं कि उससे राइटिंग करे तो राइटिंग ख़राब हो जाती है, इतना हार्ड मटेरियल होता है। तो मैंने भी एक लाइन डाली, तो वो लाइन डालने में काफ़ी प्रेशर उसमें लगा और ऐसा लगा कि शायद मैं बॉल पेन का वर्क ना कर सकूँ, वो रख दिया। उस वक्त मूड चेंज हो गया। अदरवाइज़ फिर ये हुआ कि अब जायबत एक आर्ट का जरासीम था और वो एक अंदर जस्तजू हो रही थी कि यार बॉल पेन करें। फिर पाकिस्तान में मैंने ये सर्च करना शुरू किया कि क्या पाकिस्तान में हमारे कोई सीनियर आर्टिस्ट बॉल पेन है तो उसका काम देखा जाए या उनसे रब्ता किया जाए, किसको सीखा जाए, तो मुझे कोई ऐसा नज़र नहीं आया। फिर ये हुआ कि चलें देखते हैं, फिर करते हैं। और एक फिर छोटी सी शीट पर छोटा सा पॉट बनाया, वो कुछ अच्छा बना, थोड़ा सा बना, कुछ उसमें मिस्टेक्स हुई, तो बस ये सिलसिला चलता रहा। तो 2 से 2.5 साल में एक छोटी सी शीट से लेके और बहुत बड़ी शीट तक 200 से 250 इमेजेस बनाए, और हाथ साफ होता रहा। उसमें बीच में कुछ प्रॉब्लम्स आई, स्पेशली लोकल मटेरियल पेन ने बहुत ज़्यादा तंग किया, और ब्रांड पेन यहाँ पर हमें जो ना अवेलेबल नहीं हो रहे थे, और जो अवेलेबल हो रहे थे वो इतने ज़्यादा एक्सपेंसिव हो रहे थे कि उसको हम नहीं ले सक रहे थे। तो खैर वो करते करते जो है आज ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह मोहब्बत करने वालों ने मेरा काम अप्रिशिएट किया, चैनल्स ने मुझे कवरेज दी, उन्होंने मुझे बहुत अप्रिशिएट किया, और आज मैं एक बेहतरीन बॉल पेन आर्टिस्ट के हवाले से आपके सामने बैठा हुआ हूँ। कि बॉल पेन पे कितने लोग काम कर रहे हैं, तो यार मैं इसमें यहाँ थोड़ा सा एहतियात से काम लेता हूँ कि मुझे अभी तक अपने अलावा कोई सीनियर लेवल पे काम करता हुआ नज़र नहीं आया। एक इवेंट में मैं गया था, तो वहाँ मुझे एक बहुत सीनियर आर्टिस्ट से मेरी मुलाकात हुई, और वहाँ बॉल पेन के हवाले से जब बातचीत हुई तो उन्होंने मुझे बताया, उनका नाम मेरे जहन में अभी नहीं आ रहा है, बहुत सीनियर आर्टिस्ट हैं, तो उन्होंने मुझे बताया कि 50s के दौर में उन्होंने ब्लैक बॉल पेन से जो है वो काम किया है, और उन्होंने मुझे ये कहा कि आप इस दौर में कलर्ड बॉल पेन आर्टिस्ट, फर्स्ट कलर्ड बॉल पेन आर्टिस्ट के हवाले से हो सकते हैं आप जो। तो फिर मैंने सोशल मीडिया पे जितने आर्ट ग्रुप्स हैं वहाँ जाके सर्च किया कि कोई पाकिस्तान में कोई ऐसा जो सीनियर लेवल पे काम कर रहा हो बॉल पेन, तो वहाँ भी मुझे नज़र नहीं आया। जूनियर लेवल पे कुछ काम मुझे नज़र आया, तो फिर ये हुआ कि इससे फ़ायदा उठाया इस बात से कि अगर कोई नहीं है तो मैं पाकिस्तान की नुमाइंदगी करूँ बॉल पेन आर्ट के हवाले से। और फिर दिन रात देख करके 2 साल के अरसे में जो है वो बॉल पेन पे ही सिर्फ फोकस किया और बॉल पेन पे काम किया, और आज अल्हम्दुलिल्लाह मेरा काम जो है वो आपके सामने है। मैं बेसिकली जो हूँ वो गॉड गिफ्टेड आर्टिस्ट हूँ आप ये कह सकते हैं, और बचपन से ही काम कर रहा हूँ, शौक़ था, और फिर पेंसिल आर्टिस्ट बना। पेंसिल का कुछ काम करके, जाहिर बात है टीचर फिर टीचर होता है, तो मैं कुछ ट्रिक और टूल्स वगैरह सीखने के लिए और सर्टिफिकेट लेने के लिए जो मैंने 1 साल का कराची स्कूल ऑफ आर्ट से कोर्स किया, तो वहाँ आर्ट स्कूल में मैंने कोई इतना ज़्यादा वो नहीं देखा कि कोई बहुत ज़्यादा फोकस आर्ट पे करवाया जा रहा था। तो लेकिन मैं क्योंकि कुछ इतना काम करके गया था, तो बेसिकली मेरा जो वहाँ फोकस था कि टूल्स कैसे यूज़ होते हैं और मटेरियल में क्या मिक्सिंग वगैरह कैसे होती है, वो करके मैं बाहर आया। और बॉल पेन के हवाले से अगर बात की जाए, तो बॉल पेन की लाइन भी मैंने खुद डालना सीखी है। बॉल पेन में मैंने किसी से कोई ट्रेनिंग हासिल नहीं की है, 2 साल खुद ही बैठ के काम किया, क्योंकि पीछे कॉन्सेप्ट जो हैं वो क्लियर थे मेरे पेंसिल के हवाले से, तो बॉल पेन में मुझे काम के हिसाब से इतनी मुश्किल नहीं आई, लेकिन मटेरियल के हवाले से मुझे ज़्यादा मुश्किलात पेश आई।
पैनलिंग पे हमारे यहाँ काम होता है, उसमें जो ट्रिक यूज होती है तो वही ट्रिक हम बॉल पेन में भी यूज कर रहे होते हैं कि हैचिंग, क्रॉस हैचिंग, डॉटेड मेथड है, सर्कल मेथड है, और हर आर्टिस्ट का अपना एक स्टाइल होता है कि वो किसी एक मेथड पर काम करके उसी से सारे इफेक्ट निकालता है। तो मैंने सर्कल मेथड को ज्यादा फोकस किया हुआ है और उसी में ही हर इफेक्ट, हर मटेरियल इफेक्ट जो है वो निकालने की कोशिश करता हूँ। हर मटेरियल अपनी एक क्वालिटी रखता है। पाकिस्तान में जो लोकल बॉल पेन जो अभी यूज हो रहे हैं, 10 रुपीज़ वाला, 20 रुपीज़ वाला, जब मैंने स्टार्ट लिया तो घर में वो जो राइटिंग बॉल पेन पड़े हुए होते थे बस उसी से ही स्टार्ट लिया मैंने, और किया जब थोड़ा सा हाथ बेहतर हुआ तो फिर मैं मार्केट में निकला कि मुझे कोई ब्रांड पेन नज़र आ जाए, तो कोई ऐसा ब्रांड पेन नज़र नहीं आया। और स्पेशली मुझे जब मैं कलर स्केच करने लगा तो मुझे कलर पेन जो है मल्टी कलर में मुझे नहीं मिले। फिर एक जगह एक ठेले पे मुझे वो बच्चों वाले क्लच पेन जो आते हैं वो मुझे नज़र आया, तो उसको उठा के लाए। तो ये होता है कि अगर आप में काम करने की सलाहियत है, जस्तुजू है, तो फिर आप जो है वो बहुत ज़्यादा एसेसरीज को फोकस नहीं कर रहे, तो कि जो आपको मिल जाए आप उसमें काम करने की कोशिश करते हैं। तो बस वो बॉल पेन लेकर आए और काम किया। लोकल बॉल पेन में ये एक प्रॉब्लम आई कि वो काम करते करते में उसमें कि बॉल पर इंक जमा होती है, वो कहीं पर भी इंक छोड़ देता है। अब इसमें ये होता है कि उसने किसी एक ऐसी जगह पर इंक छोड़ दी जहाँ हम उसको नहीं संभाल पाते, तो फिर पीछे सारी मेहनत जो है हमारी ज़ाया हो जाती थी। ब्रांड पेन मैंने अभी कुछ मंगवाए हैं, कुछ मेरे चाहने वालों ने, मेरे दोस्तों ने दुबई से, USA से मुझे भेजे हैं। अभी मैंने उनको यूज़ नहीं किया है, इंशाल्लाह करीब मैं उनको यूज़ करके भी कोई एक बड़ा स्केच बनाने के मूड में हूँ, तो मुझे क्वालिटी का ज़्यादा फिर अंदाज़ा होगा कि हमारे लोकल मटेरियल में और ब्रांड मटेरियल में क्या फ़र्क है। एक स्केच बनाने में कोई हम एक पर्टिकुलर टाइम नहीं बता सकते, क्योंकि हम ये सारा काम ज़्यादातर जो है वो मूड पर कर रहे होते हैं। अच्छा, क्योंकि मैंने जैसा आपको बताया कि मैं सर्कल मेथड पे काम कर रहा होता हूँ, तो हम जब हम सर्कल छोटे छोटे सर्कल पे काम कर रहे होते हैं तो 10 मिनट में ना वो आईज़ और सर में जो ना वो पेन शुरू हो जाता है, फिर हम उसको थोड़ा सा अपने आप को छोड़ते हैं, रिलैक्स करते हैं, फिर मूड होता है कि कभी कभी ऐसा होता है कि दो तीन दिन एक ही तस्वीर में मूड नहीं बन पा रहा होता है, तो इस तस्वीर फिर ये होती है कभी महीना भी चली जाती है, 6 महीना भी चली जाती है। तो इस उससे मूड को चेंज करने के लिए हम एक वक्त में दो तीन दिन तस्वीरों को भी काम कर रहे होते हैं, कि अगर एक तस्वीर पे मूड नहीं बनना तो हम दूसरी पे बैठ जाएं, उस पे अगर हमारा मूड बना हुआ तो हम उसको कर लें। तो ये है कि टाइम इसमें लग जाता है। इंटरनेशनली तो आर्ट का बहुत मुस्तकबिल है, और यूरोप वगैरह में आर्ट की जितनी कदर की जाती है वहाँ तो आर्टिस्ट तो आप छोड़ दें, वहाँ पर उनकी तो क्या बात होती है, वहाँ पर जो सीखने वाले मरहले में जो बच्चे होते हैं उनको भी बहुत ज़्यादा पजीराई वहाँ गवर्नमेंट लेवल पर और अवामी लेवल पर मिल रही होती है। पाकिस्तान में हमारे यहाँ बड़े बड़े आर्टिस्ट मैंने देखा कस्मा पुरसी की हालत में जो है वो चले गए और अभी बैठे हुए भी हैं, ऐसे ही हैं। जूनियर हमारे यहाँ यही सारा कुछ सोच के कि पाकिस्तान में क्या इसका स्कोप है उसको कोई नज़र नहीं आता, क्योंकि हमारे यहाँ इसकी कदर नहीं है, गवर्नमेंट कोई इस पर सपोर्ट नहीं कर पा रही होती है, अवामी सतह पर भी जो हैं वो लोग, चंद लोग हैं जो उसको पसंद करते हैं तो वो आपसे उसको कर लेते हैं। लेकिन कोविड के बाद जो फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स आपके पास आई, तो हम जाए पता है हमारी पेंटिंग सेल होने में भी उसमें प्रॉब्लम्स आई है। तो न्यू जनरेशन ये सारी चीज़ें, ये सारी जो नुकसान हैं ये देख के अब कम फोकस कर रही है कि हम आर्ट वाली फील्ड में आ जाएं या नहीं आए, कि हमारा स्कोप क्या है या हमारा इसमें फ़ायदा क्या है। नई हुकूमती सतह पर अभी मुझे इस पर कोई सपोर्ट जो है वो नहीं मिली है, और मेरी हुकूमत वक्त से यही गुजारिश है कि मुझ जैसे ऐसे बहुत टैलेंट जो है, बहुत सारे आर्टिस्ट जो हैं जो छुपे हुए हैं और पाकिस्तान में मौजूद हैं, जो फाइनेंशियली प्रॉब्लम की वजह से या किसी न किसी प्रॉब्लम की वजह से जो है वो आगे नहीं आ पा रहे हैं, लेकिन उनका काम बहुत बेहतरीन है। तो मैं हुकूमत के अलावा ऐसी NGOs से जो हमारे यहाँ मुल्क में काम कर रही हैं, ऐसी बहुत सारी बड़ी NGOs हैं जो ITT पर काम कर रही हैं हुकूमत के साथ मिलकर, जो एकेडमिक पे काम कर रही हैं, मेरी उनसे गुजारिश है कि वो स्टेप लें और वो जो आर्ट पे आज तक पाकिस्तान में काम नहीं हुआ है वो इस काम को भी लेकर आएँ और उसमें कोई इंस्टीट्यूट बनाएँ या कोई एक ऐसी चीज़ सामने लेकर आएँ कि हर जूनियर लेवल पर हर एक ऐसा टैलेंट जो किसी न किसी प्रॉब्लम की वजह से आगे नहीं बढ़ पा रहा है वो आपके इदारे से, आपके प्लेटफॉर्म से उसको आगे बढ़े और पाकिस्तान की नुमाइंदगी करे। जी, मैं जो हूँ एक स्कूल में जो हूँ आर्ट इंस्ट्रक्टर भी हूँ, और मैं वहाँ पर बाकायदा आर्ट जो है वो सिखा रहा हूँ। उसके अलावा क्योंकि ज़्यादातर टाइम मेरा स्कूल में ही चला जाता है, तो समर वेकेशन और विंटर वेकेशन में जो है वो कुछ इंस्टीट्यूट हैं जो मुझसे वर्कशॉप के लिए मुझसे टाइम लेते हैं, तो वहाँ वर्कशॉप दे रहा होता हूँ। उसके अलावा पर्सनल आर्ट ट्यूशंस भी कर रहा होता हूँ। अभी हाल ही में समर वेकेशन में 2-3 जगहों पर जो है मैंने आर्ट वर्कशॉप दिए। अब स्पेशली जो है ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ कि बॉल पेन, क्योंकि मैं ख़ुद बॉल पेन आर्टिस्ट बन चुका हूँ, और बॉल पेन क्योंकि हमारे यहाँ पाकिस्तान में नहीं है, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जूनियर लेवल पे बॉल पेन को सिखाया जाए और वो ज़्यादा से ज़्यादा आगे आए।
आर्ट की वैल्यू जो है ना वो समझ लें कदरदान जो होता है ना वो ज़्यादा उसको समझता है। नॉर्मल पब्लिक को देखने में तो ये बहुत अच्छा लग रहा होता है, लेकिन जब प्राइस इसके बताए जाते हैं तो बस वो थोड़ा सा डिसार्ड हो जाता है, क्योंकि बहुत अमीरों का शौक है ये, और इसमें मेहनत के बेसिकली पैसे लिए जाते हैं, मेहनत के, क्रिएटिविटी के। तो एक तस्वीर इसमें मेरे पास जो इस वक्त मौजूद है वो 10,000 से लेके 1 लाख तक का पीस मेरे पास जो है वो रखा हुआ है इस वक्त। और फिर वही होता है कि हमारे यहाँ नाम ज़्यादा चलता है, तो बहरहाल अभी हमारे यहाँ बड़े आर्टिस्टों के जो नाम है उनकी पेंटिंग जो है वो करोड़ों में भी जा रही होती हैं, और बहरहाल उनका नाम, उनकी मेहनत होती है, उनका काम होता है, और हम, मेरी पूरी कोशिश है कि मैं उस लेवल तक पहुँचूँ। और इकबाल मेहंदी साहब हैं, तनवीर फारूकी साहब हैं, गुल जी हैं, बशीर मिर्ज़ा हैं, यूसुफ साहब हैं, ये वो नाम हैं जिनसे मैं इंस्पायर हूँ, और मेरी कोशिश होती है कि मैं इनकी चीज़ों को फॉलो करूँ, इनके आर्ट को देखता हूँ मैं, उससे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलता है और मैं फिर आगे बढ़ता हूँ उसमें जो है। जी देखें, हर इंसान के लिए उसके जहन में ये होता है कि वो आगे अपनी फील्ड में तरक्की करे, और जैसे कि मेरा है कि मेरा बहुत ज़्यादा एक दिल होता है कि मेरे अंदर जो भी आर्ट मौजूद है वो मैं न्यू जनरेशन में कन्वर्ट कर दूँ, उनमें डिलीवर कर दूँ, उनको सिखाऊँ। लेकिन ज़ाहिर बात है वसाइल मेरे पास इतने ज़्यादा नहीं है। स्कूल में मैं जहाँ जॉब करता हूँ वहाँ तक तो मैं सिखा रहा हूँ, लेकिन अगर कोई मुझे ऐसे उसमें सपोर्ट करता है कि कोई अकेडमी बनाता है और वहाँ मेरी सपोर्ट लेता है, तो मैं, हम ज़्यादातर बच्चों को सिखा सकते हैं, ज़्यादा टैलेंट को, हम जो हिडन टैलेंट है जो किसी वजह से नहीं आ पा रहा है, तो हम उनको ये सिखा सकते हैं। अगर मुझसे कोई परचेज़ करना चाहता है तो मैं फेसबुक पर, यूट्यूब पर, इंस्टा पर रूफ़ी आज़मी के नाम से मौजूद हूँ, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं और कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। देखें, हमारे यहाँ स्कूल में जो है वो एक ड्राइंग वाले नाम पे तो हमारे ड्राइंग्स और आर्ट एंड क्राफ्ट हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है। और बहरहाल मैंने अभी देखा है कुछ ओ लेवल स्कूल्स में जो बाकायदा आर्ट में जो है पेंटिंग्स वगैरह ये सारी प्रोफेशनल लेवल वर्क करवाया जा रहा है। तो स्कूल्स में मैं जहाँ होता हूँ तो वहाँ मैं 8th क्लास के लेवल को फोकस कर रहा होता हूँ, और उसमें कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनको एक लाइन भी नहीं डालना आ रही होती है, तो मैं उनको सबसे पहले उनकी बेसिक स्ट्रॉन्ग करता हूँ और इतना कर देता हूँ कि उनका आर्टवर्क इतना अच्छा हो जाए कि वो बाद में भी कर सकें। 1 साल के अरसे में बच्चा इतना कर सकता है कि जैसे मेरे पास एक बच्चा था यूशा खालिद, उसने मेरा स्केच मुझे बना के दिया जो मैं आपको दिखाता हूँ कि ये वो स्केच है, और ये 1 साल के अरसे में वो बच्चा जो है वो यहाँ पर पहुँच गया था। ये वो बच्चा था जो, जिसको शौक था लेकिन काम उसका अच्छा नहीं था, तो वो कहते हैं ना कि अगर कोई पॉलिश करने वाला आपको मिल जाए और आप उसे पॉलिश कर दें तो उसके अंदर का छुपा हुआ टैलेंट बाहर आ जाता है। तो इस बच्चे ने मेहनत की और 1 साल के अरसे में इसने मेरा ही स्केच मुझे बना के साबित किया कि मैं भी एक अच्छा टीचर हूँ और वो भी एक अच्छा स्टूडेंट है। तो सीखने वाले जो हैं वो सीख जाते हैं। ज़ाहिर बात है क्योंकि मेरा रोटी रोज़गार जो है वो यही है, तो जो मुझसे सीखने के लिए कॉन्टेक्ट करता है वो डिपेंड करता है कि कितना दूर है वो मेरी लोकेशन से, या वो ग्रुप में पढ़ना चाह रहा है या वो सिंगल पढ़ना चाह रहा है, तो उसी हिसाब से जो है वो प्राइस होते हैं। मैंने बहुत ज़्यादा तो किसी ऐसी शख्सियत का नहीं बनाया, लेकिन मैंने अपने चचा डॉक्टर रेहान आज़मी साहब का एक स्केच बनाया था। उनका वो स्केच जो है वो बहुत इंटरनेशनली वायरल हुआ, और क्योंकि वो एक इंटरनेशनल लेवल के शायर थे, गिनीज वर्ल्ड बुक में उनका नाम है, तो उनका ही स्केच बनाया था मैंने। और अभी तक किसी सेलिब्रिटीज़ वगैरह का कोई इतना मुझे ऐसा मौका नहीं मिल पाया, क्योंकि मैं ज़्यादातर जो है वो अट्रैक्शन और सैड फेज और बर्फ वाले उसको ज़्यादा फोकस कर रहा होता हूँ, तो मैं उससे बाहर नहीं आ पा रहा होता हूँ। लेकिन यह है कि आगे मेरा इरादा है कि कुछ पाकिस्तान की जो है मशहूर शख्सियात जो हैं जिनसे अवामी लेवल पर लोग इंस्पायर होते हैं, कि मैं उनकी स्केचेस बनाऊं। नहीं, बहरहाल ज़ाहिर बात है जब आपको किसी भी काम से रिलेटेड अप्रिसिएशन ना मिले तो घर वाले, ज़ाहिर बात है थोड़ा सा, क्योंकि पेरेंट्स जो होते हैं ना, आपको पता है वो अपने बच्चों की मोहब्बत में और उसमें इस कदर ज़्यादा वो इन्वॉल्व होते हैं, तो उनको ये फिक्र हो जाती है कि मेरा बच्चा दिन रात बैठ के एक चीज़ को फोकस कर रहा है, काम कर रहा है, तो इसका कोई स्कोप है या उसको कोई अप्रिसिएशन मिल रही है या नहीं मिल रही है। लेकिन बहरहाल ये है कि बाहर से अप्रिसिएशन मिले ना मिले, लेकिन मेरे माँ बाप की दुआएं, मेरे घर वालों की, मेरे रिश्तेदारों की, इसमें मेरा बड़ा साथ उन्होंने मुझे दिया है। बहुत, हर कोई मुझे बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करता था, स्पेशली मेरे वालिद और मेरी वालदा ने मुझे बहुत अप्रिशिएट किया और कहा कि बेटा तुम काम करते रहो और एक दिन ऐसा आएगा कि तुम्हें इसका जो है वो रिज़ल्ट मिलेगा। तो ये, और वो आज का दिन है कि मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि मैं सोशल मीडिया पर या मीडिया पर इतना ज़्यादा नज़र आऊँगा और इतने सारे लोग जो हैं वो मुझसे मोहब्बत करने वाले जो हैं मेरे काम को सराहेंगे, और वो आज का दौर है। और मेरी माँ बाप की दुआएँ जो हैं वो बात है इतना असर रखती हैं कि, और कुछ ये है कि हमेशा अपने माँ बाप की खिदमत ज़रूर करें आप।
और क्योंकि माँ बाप की खिदमत का सिला अल्लाह ताला आपको एक ना एक दिन ज़रूर देता है। और आज मैं जिस लेवल पर मौजूद हूँ, इसमें ज़रूर ये बात कहीं ना कहीं है कि मैंने अपने माँ बाप की बहुत ज़्यादा खिदमत की है और आज भी मैं करता हूँ उनकी खिदमत इतनी, और उसी के ही सिले से मैं कामयाबी की तरफ जाऊँ वो जा बजा कदम ब कदम जो है आगे बढ़ रहा हूँ। नहीं, अभी तक तो किसी बॉल पेन कंपनी ने मुझसे रुजू नहीं किया है, लेकिन मैं आपके चैनल के तवसत से बॉल पेन कंपनीज़ को ये पैगाम ज़रूर दूंगा कि हमारे यहाँ अब न्यू जनरेशन बॉल पेन पर काम कर रही है और हमारे यहाँ मल्टी कलर में बॉल पेन नहीं है, तो आप जो है वो मल्टी कलर में भी बॉल पेन जो है वो इंट्रोड्यूस करवाएँ, और आप कोई ऐसी वर्कशॉप आप अपनी कंपनी की तरफ से कंडक्ट करें जिसमें आप अपने बॉल पेन की मार्केटिंग भी करें और एज अ गिफ्ट जो है आप जूनियर आर्टिस्ट को पेन फराहम करें। तो इससे यह है कि हमारी जो न्यू जनरेशन है वो एप्रिसिएशन जब उसको मिलेगी तो वो बूस्ट होगी और उसमें काम करने का शौक़ ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ेगा। मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि मैं बाहर जाऊं, लेकिन बहरहाल आपके बैकग्राउंड में कभी ना कभी कोई ना कोई अगर ऐसा इशू आया था कि आप उसकी वजह से जो है वो आगे नहीं जा पा रहे होते हैं। तो मेरे पेरेंट्स की जो है वो थोड़ा सा तबीयत का प्रॉब्लम है, मेरे वालिद को तबीयत की प्रॉब्लम है, तो मैं उसकी वजह से जो है वो मुल्क से बाहर नहीं जा पा रहा हूँ। लेकिन यह है कि कुछ मोहब्बत करने वाले यहाँ पर भी ऐसे हैं, और मैं ये कहता हूँ कि हम जो शोहरत बाहर से हासिल करके जाते हैं वो शोहरत हमें हमारे मुल्क से ही मिले और हम अपने मुल्क के लिए ही काम करें, और हमारे लोग जो है वो आर्टिस्टों को जो है ना वो इतना ज़्यादा अप्रिशिएट करें कि उन्हें बाहर जाने की ज़रूरत पेश ना आए।